सीएए लागू किए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 में सीएए पास हुआ था, चुनाव से कुछ दिन पहले अब इस बिल को नोटिफाई किया जा रहा है। ऐसा लगता है बीजेपी रणनीतिक तौर पर ये सारी चालें चल रही हैं। ये सीएए सभी मुसलमानों के लिए बीजेपी द्वारा दिया गया रमजान का तोहफा है। 2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लियामानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं।